फ्रेंड्स, माय नेम इज विवेक। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग आप लोग की डिमांड से लेके आ चुके हैं NSEC मतलब नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज की रिव्यू के बारे में, जो अफिलिएटेड है मकाउट के साथ, AICTE अप्रूव्ड है और ये NBA अक्रेडिटेशन के साथ बहुत सारे कोर्सेज को रन करता है। इस पर्टिकुलर कॉलेज की बात करें तो ये पर्टिकुलर कॉलेज ओवरऑल में तो खूबसूरत है, पर ये एक तरीके से एक गड़िया में एक कॉलेज है जो बहुत ज़्यादा अंदर है, तो इसका लोकेशन वन ऑफ द डिसएडवांटेज आप इसे कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर कॉलेज में आपको टोटल 720 सीट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से 180 सीट्स आप लोग को CSE ब्रांच में देखने को मिलता है, और सारे ब्रांचेस का डिटेल्स आपके स्क्रीन पर अभी प्रेजेंट हो रहा होगा। इसके बाद बात करें तो इस पर्टिकुलर कॉलेज में अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है या आपको कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप इस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट डिटेल्स में बात कर सकते हैं। इसके बारे में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस पर्टिकुलर कॉलेज की कुछ फैसिलिटीज के बारे में। तो इस पर्टिकुलर कॉलेज में कोई भी इन कैंपस आपको हॉस्टल देखने को नहीं मिलता है, आसपास आपको PG देखने को जरूर मिलेंगी क्योंकि कॉलेज है, और साथ में दोस्तों यहां पर बहुत सारे अकोमोडेशन की चीजें आपको देखने को मिल सकती है। पर्सनली बात करूं तो इस पर्टिकुलर कॉलेज में मैंने खुद भी एक समय विजिट किया है किसी कॉम्पिटिशन के रिलेटेड, और ये कॉलेज मुझे जरा अंदर लगी, बट ओवरऑल में अंदर से कैंपस ओके जैसा है। इसके बाद बात करते हैं इस पर्टिकुलर कॉलेज की, तो बॉयज कॉमन रूम और गर्ल्स कॉमन रूम भी आपको देखने को मिलता है, और स्क्रीन में सारे डिटेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। बात आगे बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर कॉलेज की आप लोगों को सबसे अच्छी प्लेसमेंट देखने को मिलती है। 2020 में इन्होंने पैकेज में बताया था कि इनको जो है 40 लाख तक का हाईएस्ट पैकेज लगा था, और उस समय के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। और इस समय इस पर्टिकुलर कॉलेज की बात करें तो पर इसकी जो प्लेसमेंट एवरेज है वो है 82%, क्योंकि इसमें जो बहुत सारे कोर ब्रांचेस हैं और बहुत सारी डिटेल्स हैं। तो ओवरऑल में बात करते हैं इस पर्टिकुलर कॉलेज में जिसको परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम देखने को मिला है। इसके बाद बात करें तो इन्होंने एवरेज पैकेज यहाँ पर 5.1 LPA रखा है, जो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, और दूसरे कॉलेज से कंपेयर करें तो ये ज़रा ऊपर स्टैंड आउट करती है। 2019 में इन्होंने 70% का ओवरऑल प्लेसमेंट एवरेज दिखाया है, जो बहुत ही ज़्यादा कम है कंपेयर टू द प्राइवेट कॉलेजेस आउटसाइड। हर प्राइवेट कॉलेज में करीब आपको 90% देखने को मिलता है, जहां पर इस पर्टिकुलर कॉलेज में सिर्फ 70% देखने को मिला 2019 में। आप बात कर रहे होंगे कि 2022 और 2021 की डिटेल्स बताएं, तो वेबसाइट में इन्होंने ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे रखा है। 2022 के जो उनको डिटेल्स दे रखे हैं उसके हिसाब से आप ये ब्रांच डिटेल्स देख सकते हैं, जिसमें अगर एवरेज लगाया तो 85% का ओवरऑल प्लेसमेंट हुआ है 2022 में, और इसमें जो है हाईएस्ट पैकेज उन्होंने 60 LPA दिया है, और एवरेज पैकेज यहाँ पर उन्होंने 6 LPA कर दिया है, तो जो एक बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि कंपेयर टू द अदर कॉलेजेस यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है, और एवरेज पैकेज 6 LPA। बट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फीस यहाँ पर जो है वो है 5 LPA के अप्रॉक्स, मतलब 5 lakhs के अप्रॉक्स 4 सालों का, और वो है आपके 2020 का आपका फी स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पर देख रहे हो, और कुछ बढ़ा सकते हो आप 2-3 हज़ार रुपये पर सेमेस्टर या फिर 5 हज़ार रुपये पर सेमेस्टर, और आशाएं हैं कि टेक्नो कॉलेज है ये एक तरीके का, तो दोस्तों में जो है ये पर्टिकुलर कॉलेज की फीस और भी बढ़ सकती है। यहाँ पर आगे बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर कॉलेज को NIRF रैंकिंग मिली है, और वो है 250 से लेकर 300 के बीच में, और इसकी जो NIRF रैंकिंग 2022 में थी 2020 में थी वो काफ़ी बेहतर थी। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर कॉलेज में ऑफर्स कितने मिले हैं, तो ऑफर्स का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं, बट बहुत सारे कॉलेज इस कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स को Amazon, Accenture ये सब से मिला है, और उन्होंने ये अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया है, बट इसकी वेबसाइट में आप उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, फिर भी आपको चाहिए तो आप ज़रूर जाकर इनके वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों इस पर्टिकुलर कॉलेज की अगर कट ऑफ्स की बात करें तो कट ऑफ्स आपको यहाँ पर CSE के लिए 12,000 से लेकर 14,000 तक मैक्स टू मैक्स देखने को मिलेगा, और इस साल जैसे कि एवरेज पैकेज ज़रा बड़ा है तो चांसेस हैं कि 12,000 क्या 10,000 में भी इसकी जो है CSE खत्म हो सकती है। इसके बाद बात करें तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिलेगा, सबसे बड़ा कट ऑफ जैसे 65,000। इसके अलावा अगर आप लोग डोमेन्स में रहना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन ले सकते हो 60,000 तक के रैंक पे। मेरा क्या रिव्यू है इस पर्टिकुलर कॉलेज के ऊपर, तो चलिए जानते हैं। तो मेरा रिव्यू रहेगा कि ये पर्टिकुलर कॉलेज आने वाले समय में बहुत इंप्रूवमेंट कर चुका है और एक कंसिस्टेंट रिजल्ट जरूर दे रहा है, बट कोर ब्रांचेस में अभी भी इस पर्टिकुलर कॉलेज में एक बहुत ही बड़ा इंप्रूवमेंट आना बाकी है, क्योंकि अभी भी कॉलेजेस की टाइप उतनी ज़्यादा नहीं हुई है, क्योंकि हर ब्रांच का फीस अगर उन्होंने सेम रखा है तो प्लेसमेंट भी सेम होना चाहिए, और परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट्स के लिए उनको ज़्यादा वर्क करना चाहिए। तो ओवरऑल में अगर आप कैटेगरी 2 कॉलेज में इसे रेटिंग करना चाहोगे तो हाँ, दूसरे कैटेगरी 2 कॉलेजेस से ज़रा सा अभी तो इसे हम ऊपर के एडवांटेज में देंगे, बट आप अगर ज्वाइन कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कॉलेज तो आप ज्वाइन कर रहे हैं नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए, उस समय क्या ये परफॉर्मेंस देगा आज से डिसाइड करना बहुत मुश्किल की बात है। तो ओवरऑल में अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों साथ में हमें अगर आप लोगों को कोई पेड काउंसलिंग या फिर आने वाले समय में मैनेजमेंट कोटा के द्वारा किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो हमने डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म भर रखा है, तो आप जरूर जाकर उसमें ले सकते हैं। आप कन्फ्यूज है कॉलेजेस को कैसे भरना चाहिए तो आप पेड असिस्टेंस ले सकते हैं। इसके अलावा सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को इंटरनेट पर हम फ्री में प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप एक बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हमें टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कीजिए, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। अगर आपके पास कोई पर्सनल सवाल है तो आप उसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, उसका आंसर देने में मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। तब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट, तब तक लिए कहते हैं आपको अलविदा, बाय दोस्तों।